बात करते हैं, सिलेक्शन प्रोसेस तो होगी, उसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे एग्जाम सिलेबस और पैटर्न के। देखिए अब हम बात करते हैं एग्जाम सिलेबस और पैटर्न के बारे में, आपको क्या सब मिलेगी। तो इसमें देखिए आपको जो सबसे पहला होती है टेस्ट वो होती है CBT 1। इसमें टोटल जो होती है तीन टेस्ट होती है, CBT 1, CBT 2 एंड CBT 3। तो योर फर्स्ट टेस्ट इज CBT 1 फॉर लोको पायलट। CBT 1 का जो होता है टेस्ट, इसमें जो टोटल जो क्वेश्चन मिलती है वो मिलती है आपको 75 क्वेश्चन मिलती है, और आपको जो टाइम मिलता है वो मिलता है आपको 60 मिनट का टाइम, यानी आपको 60 मिनट में आपको 75 क्वेश्चन करना पड़ता है। ये सब क्वेश्चन MCQ टाइप होते हैं, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, और ये सब में आपका नेगेटिव मार्किंग भी होती है, 1/3 होती है नेगेटिव मार्किंग। आपको इस 75 नंबर में से आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम नंबर लाना पड़ता है, वैसे कम से कम आपको 40% नंबर तो चाहिए ही चाहिए, इसके ऊपर आप जितना नंबर आप ला सकते हैं। फिर देखिए आप एग्जाम देने के बाद आपका नॉर्मलाइजेशन के बाद मार्क्स होती है, फिर आपका ये जो है ये CBT 1 जो टेस्ट है ये सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग टेस्ट है, यानी इसका जो नंबर है आपका मेरिट में नहीं जुड़ता है। बस ये आपका CBT 1 के बारे में। इसके बारे में थोड़ी सी और मैं आपको बता दूं इसका सिलेबस क्या होगा, पैटर्न क्या होगा। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि रेलवे में जो है इसका सिलेबस और पैटर्न क्या होगा वो मैं बता दूं। जैसे कि आपका देखिए मैथ्स, साइंस, उसका देखिए करंट अफेयर्स ऑन जनरल अवेयरनेस, मैथ में से आपका 20 क्वेश्चन, रीजनिंग में से 25 क्वेश्चन, साइंस में से आपका 20 क्वेश्चन, और करंट अफेयर्स ऑन जनरल अवेयरनेस में से आपका 10 क्वेश्चन। यहाँ पर आपका GK में से क्वेश्चन पूछता ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं पूछता, जिसमें कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल ये सब चीज़ होती है, इसमें से क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं पूछता। तो उसी रिलेटेड जो भी टॉपिक होते हैं उसमें से करंट अफेयर्स पूछ लेता आपका, तो कुछ इस तरह से रहा। तो आप लोग को इस तरह से आपको तैयारी करनी पड़ेगी, मैथ 20 नंबर, रीजनिंग 25 नंबर, साइंस 20 नंबर, करंट अफेयर्स ऑन जनरल अवेयरनेस 10 नंबर का, ये आपका टोटल 75 नंबर। इस 75 नंबर में से आपको मैक्सिमम नंबर ला करके आप एग्जाम पास कर पाएगा। वैसे मैं आपको बता दूं आपको अगर कंफर्म रिजल्ट चाहिए तो आपको नंबर कम से कम आना चाहिए 55+, यानी 55 नंबर से आप ज्यादा नंबर आते हैं तो आपका सिलेक्शन की गारंटी मैं आपको दे सकता हूँ। चलिए अब हम लोग अगला टेस्ट की बात करते हैं जो कि होगा आपका CBT 2। अब देखिए CBT 2 टेस्ट आपका किस तरह से होता है, CBT 2 टेस्ट देखिए क्या होता है। तो CBT 2 में आपका दो पेपर होता है, पेपर ए और पेपर बी। पेपर ए आपका मेन पेपर होता है, पेपर बी आपका होता है क्वालिफाइंग होता है, और ये आपका ट्रेड टेस्ट होता है। तो सबसे पहले हम लोग पेपर ए की बात कर लेते हैं, पेपर ए में क्या होती है। तो देखिए पेपर ए में जो है 100 क्वेश्चन होता है, टोटल 90 मिनट का आपको टाइम मिलता है, 100 क्वेश्चन करना होता है 90 मिनट में, ये भी 1/3 होता है नेगेटिव, इसमें MCQ टाइप के क्वेश्चन होते हैं, ये सब का सब CBT यानी कि कंप्यूटर पर होते टेस्ट। और इसमें आपको ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसका ये जो 100 क्वेश्चन है इसी के आपके मेरिट तैयार होती है, और इस मेरिट को बनाने के लिए आपको मैक्सिमम नंबर चाहिए होगा। और चलिए आइए हम जानते हैं इसके सिलेबस और पैटर्न के बारे में। इस 100 क्वेश्चन को CBT 1 CBT 2 का पार्ट ए का देखिए सिलेबस क्या होगा, आपका मैथ्स है, रीजनिंग, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, इसके अलावा करंट अफेयर्स ऑन जनरल अवेयरनेस, इसको कुछ इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए इसमें आपका जो क्वेश्चन पूछेगा मैथ में से 25, रीजनिंग में से 25, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग में से आपको 40 मार्क्स एंड 40 नंबर, और करंट अफेयर्स ऑन जनरल अवेयरनेस में से आपको क्वेश्चन पूछेगा 10 नंबर। तो इसमें भी आपका GK कहीं कोई जिक्र ही नहीं है, तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस ये सब में से बिल्कुल भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा, एक या दो क्वेश्चन टच करेगा वो कि आपका जनरल अवेयरनेस ऑन करंट अफेयर्स में आपका आ जाएगा। तो फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे ये आपका 100 नंबर का जो मार्क्स है, यही आपका सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम हुआ, इसी का आपका मेरिट जुटता है कि इसमें आप मैक्सिमम नंबर लाइए, इसका में से 70% नंबर निकालेगा, साइको टेस्ट में से आपका 30% नंबर निकालेगा, दोनों को मिक्स करके फिर आपका मेरिट तैयार करेगा कि आपका मेरिट क्या होगा, आप सिलेक्शन के लिए एलिजिबल है या फिर नहीं है। तो फिर आपको ये समझ में आ गई होगी। चलिए अब हम लोग पार्ट बी के बारे में बात कर लेते हैं। अब देखें CBT 2 का पार्ट ए और पार्ट बी एग्जाम बिल्कुल साथ साथ होते हैं, बिल्कुल एक ही साथ होती है। CBT 2 का पार्ट ए एग्जाम जैसे ही खत्म होगी पार्ट बी एग्जाम उसी समय शुरू हो जाएगी, जिसमें कि आपका होगा CBT 2 पार्ट बी, जिसको कि आप ट्रेड टेस्ट भी बोल सकते हैं,
जब आप सीबीटी वन पास करिएगा, जब आप सीबीटी वन पास करेगा तो आपको एक फॉर्म भरवाया जाएगा फिर से दोबारा से, और उसमें आपको बताया जाएगा कि आप सीबीटी टू एग्जाम का जो ट्रेड टेस्ट आप देने वाले हैं उसमें किसी एक सब्जेक्ट को आप सेलेक्ट कीजिए, ताकि आपको रेलवे भर्ती बोर्ड आपके उसी सब्जेक्ट में से आपका 74-75 क्वेश्चन आपको देगा। जैसे कि अगर आपने इलेक्ट्रीशियन को, और स्टूडेंट के पास ये मौका होता है वो किसी भी को भी सिलेक्ट कर सकता है, इलेक्ट्रीशियन सेलेक्ट करिए, वायरमैन सेलेक्ट कीजिए, या फिर फिटर सेलेक्ट कीजिए, मशीनिस्ट रेफ्रिजरेशन सेलेक्ट कीजिए, जो चाहे वो सेलेक्ट कर सकते हैं। और उसी में से अगर मान लीजिए हमने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को सिलेक्ट किया, इलेक्ट्रीशियन सेलेक्ट किया, इलेक्ट्रीशियन अगर हमने सेलेक्ट किया तो इलेक्ट्रीशियन का 75 क्वेश्चन पूछेगा, 60 मिनट का टाइम देगा, और ये सब जो क्वेश्चन आएगा वो डीजीईटीई का, डीजीईटी का जो सिलेबस होती है वो आईटीआई का जो टेक्निकल जो सब टेक्निकल जो टीम है, जो कि रेलवे का सब सर्वोच्च संस्था डीजीईटी है, जो कि आईटीआई इलेक्ट्रीशियन के लिए उसका सिलेबस और पैटर्न तैयार कर सिलेबस तैयार करती है, उसी सिलेबस यानी कि आपको इलेक्ट्रीशियन का, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का 2 साल का जो आईटीआई होती है पूरा का पूरा ब्रांच पेपर निकाल कर वहां से डीजीईटी का सिलेबस डाल देता है यहाँ पर आपको इलेक्ट्रीशियन टेस्ट में। इसमें 75 क्वेश्चन होते हैं, 60 मिनट का टाइम होता है, इसका जो पासिंग मार्क है, क्वालिफाइंग मार्क है वो है आपका 35%। 35% इसमें कोई होल नहीं है कि आपको इसमें ज्यादा लाना है कम लाना है, बस आपको कम से कम 35% आपका नंबर होना चाहिए, यानी आपको 75 नंबर में से 35% नंबर यानी कि 27 नंबर आपका होना चाहिए, 27 से अगर आपका ऊपर है तो आपका बिल्कुल क्वालिफाई है। इसका जो नंबर है आपने अगर 75 में 75 नंबर मिला दिया तब भी आपका मेरिट पे इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाई माना जाएगा, और अगर आपने 75 में सिर्फ 27 नंबर आया तब भी आपको क्वालिफाई माना जाएगा। वैसे आप इसकी तैयारी कुछ ऐसा रखिए कि ये नंबर कम से कम 50 नंबर आ जाए। तो अब देखिए मैंने सीबीटी 1 की बात कर ली, सीबीटी 2 का दोनों पेपर की बात कर ली, अब हम बात करते हैं सीबीटी 3 के बारे में। सीबीटी 3 या फिर इसी को आप लोग साइको टेस्ट बोल सकते हैं, देखिए साइको टेस्ट, इस साइको टेस्ट में क्या होती है 5 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 1, 2, 3, 4 और 5, ये 5 टाइप के क्वेश्चन लगभग में 2 घंटे की एग्जाम होती है, लगभग में 2 घंटे आपका एग्जाम हो जाता है, और इस टोटल जो टेस्ट होती है टोटल 18-19 टाइप का जो टेस्ट होती है, इसी 19 में से कोई भी 5 आपको पूछेगा, जिसमें पहला होती है मेमोरी टेस्ट, पहला होती है मेमोरी टेस्ट, दूसरा जो होती है वो होती है आपका टेबल टेस्ट, मेमोरी टेस्ट, टेबल टेस्ट, तीसरा होती है आपका ब्रिक टेस्ट, चौथा आपका यस नो या फिर इसमें से कुछ भी मिक्स होके आते रहता है, बहुत सारे टेस्ट होते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट है मेमोरी, टेबल और ब्रिक्स टेस्ट। अब देखिए आपका साइको टेस्ट, इसकी तैयारी बहुत ही इजी होती है, और ये सब चीज आप बिल्कुल 7 दिन के अंदर में भी कर सकते हैं, वैसे अगर आप इसकी तैयारी अभी से रहे तो काफी ज्यादा बेहतर। तो फिर मैंने बात कर लिया सीबीटी 1, सीबीटी 2 और सीबीटी 3 एग्जाम के बारे में, अब हम बात करते हैं इसका मेरिट कैसे तैयार होती है। आपका जो देखिए मेरिट कैसे तैयार होती है, तो देखिए सीबीटी 2 का पार्ट ए जो कि 100 क्वेश्चन वाली थी, सीबीटी 2 का पार्ट ए प्लस सीबीटी 3 जो कि साइको टेस्ट बोले, इसका आपका 70 आपने जितना नंबर लाया उसमें से इसका 70% नंबर, सीबीटी 3 में आपने जितना भी नंबर लाया इसमें से आपका 30% नंबर, दोनों नंबर को मिक्स करने के बाद जो एक नंबर तैयार होगी वही आपका मेरिट मार्क होगा, उसी मार्क के आधार पे आपका सिलेक्शन होगा, आपकी रैंकिंग तैयार होगी, फिर आपको डिग्री के लिए सिलेक्ट किया जाएगा। चलिए
आइए हम थोड़ा सा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डीबी के बारे में बात कर लेते हैं। ये डीबी यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किस तरह से होती है, तो इसे बस नॉर्मली कुछ नहीं, आपका मैट्रिक का सर्टिफिकेट या फिर आपने जो भी क्वालिफाइंग वहां पे दिया था उसका सर्टिफिकेट लेगा, आपका कास्ट यानी जाति का सर्टिफिकेट लेगा, और इसके बाद आपका जो लेगा वो आपका टेक्निकल क्वालिफिकेशन इसका सर्टिफिकेट लेगा, और ज्यादा बस 3 से 4 डॉक्यूमेंट में आपका काम चल जाएगा यहाँ पे। और इसके लिए फिर से वो नया नियम कानून बनाता है, फिर बोलता है वहां सब जगह साइन करवा लेना पड़ता है और जो काफी ज्यादा भागदौड़ करना पड़ता है, लेकिन जब ये टाइम आएगा इसके लिए कोई बिल्कुल डिटेल से वीडियो बना देंगे आपको गाइडेंस करने के लिए। तो फिर आपने जाना इस वीडियो में कि लोको पायलट बनने के लिए एक एक चीज के बारे में, अगर आपने अभी तक हमारा वीडियो देखा तो आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ अगर आप आईटीआई कर रहे हैं या फिर करने वाले या फिर भविष्य में कभी भी आप लोको पायलट बनना चाहते हैं तो आप हमारे कोचिंग को ज्वाइन कीजिए, हम आपके 100% सिलेक्शन आपको हम दिलवा देंगे, क्योंकि हम आपको जितना चीज पढ़ाते हैं, जो मैंने किताबें लिखी लोको पायलट बनने के लिए वो सभी किताब आपको पढ़ना पड़ेगा। और अगर आप आईटीआई कंप्लीट कर चुके हैं तो आपका ये 3 महीने का कोर्स हम लाते हैं जो कि 4,000 रुपये की आती है, नोट्स प्लस वीडियो कोचिंग, इसके लिए भी आप हमसे बात कर सकते हैं। तो चलिए थैंक यू सो मच, अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तैयारी के लिए आप हमें व्हाट्सएप पे जरूर मैसेज कीजिए या फिर आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, फिर आपको हम बाद में कॉल बैक कर लेंगे। और हाँ अगर आप हमारा नंबर सेव करते हैं तो पहले आप हमारे नंबर को नाम के साथ सेव कर लिए उसके बाद ही आप हमें कॉल कीजिए। थैंक यू सो मच।